हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं इलेक्ट्रिक साइकिल, जो भाई अभी रिपेयरिंग के लिए हम लोग अभी जाएंगे उसको लेने। और ये रही हमारी नॉर्मल साइकिल। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं साइकिल लेने के लिए। बाय बाय बाय, टाटा, गुड बाय। Two hours later. अभी हम लोग आ चुके हैं अपने शोरूम पे साइकिल लेने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उतार लो नीचे, उतार लो। एक राउंड ले लोगे लोगे सर, थोड़ा सा देखा आपने? हाँ। देख रहा है, राउंड लेके थोड़ा चेक कर लो। हाँ। देखो चेक कर ले। और भैया आप अपने मॉम से बात करो कि ओके या नहीं ओके, जो भी आपका फीडबैक। हाँ। देने से पहले गाइस साइकिल का सर्विसिंग हो गया है, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, आगे का व्लॉग रास्ते में बनाएंगे। चलो स्पीड लो थोड़ा, घिसे जाते हैं बस। ये फाइनल स्पीड है बस, कितना रहेगा तो अभी 20। गाइज ये फाइनल स्पीड है इलेक्ट्रिक साइकिल की, और 20-25 किलोमीटर पर आवर जाती है ये, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है। देखो बाइक का काटा ख़राब है, मेरे को लग रहा है 20 जा रही है, 20-25 भी नहीं है। आगे से लेफ्ट ले लेना, आगे से लेफ्ट। क्या बैटरी कम है तो ज़्यादा भगाओ मत,
गाइस साइकिल फाइनली एक हफ्ते बाद तो आ गई है, लेकिन इसके बिल 800 हुआ है टोटल, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक प्लेट था वो टूट गया है। मैग्नेटिक प्लेट का इन्होंने 500 लगाया है और बाइक स्पा किया है 300, देख सकते हो बाइक स्पा का 300 और मैग्नेटिक प्लेट का 500। मतलब बाइक स्पा मतलब उन्होंने साइकिल को वॉश किया है, लेकिन जो नॉर्मल बाइक वॉश होता है वही 60-70 रुपीस का होता है, और जो कार वॉश कराते हैं वो मैक्सिमम 200 का होता है, मिनिमम 150 का होता है। मतलब बाइक स्पा के रेट से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अब बन के आ गई है तो थोड़ा खुशी भी हो रहा है। लेकिन ये जो कॉस्ट लगाया इन्होंने बहुत गलत कॉस्ट लगाया है, क्योंकि इतना होता नहीं और ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, नॉर्मल खाली पानी मार के वॉश कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो थोड़ा ये प्राइस बहुत ज़्यादा था साइकिल के वॉशिंग के अकॉर्डिंग। साइकिल का वॉशिंग हमारे इधर 50 रुपीज़ हो जाता है, लेकिन शोरूम वाले पता नहीं हर चीज़ का प्राइस इतना क्यों लगाते हैं। जो आगे का डिस्क ब्रेक का कैलिपर टूट गया था पहले, उन्होंने उसका 1500 बोला था और पीछे के रबड़ का 200। मैंने उसको वही बाहर से 450 में नया दोनों नया लगा के ले लिया। तो मतलब शोरूम वाले जो रेट है उससे कई डबल से भी ज़्यादा लगा के बेचते। तो बस इतना ही बोला था, साइकिल तो सब पार्ट नया लगा के दिया है वो बात अच्छी है, खाली इसका मैग्नेटिक प्लेट टूटा था वो मैं दिखा देता हूँ। ये इसका मैग्नेटिक प्लेट टूट गया था, बस उसका उन्होंने 500 लगाया है, वो अच्छी बात है कि इसका प्राइस कम लगाया है। ये यहाँ पे लगती है, ये रही जो नई वाली उन्होंने लगाई है, ये रही वो मैग्नेटिक प्लेट। इससे करंट पीछे मोटर में सप्लाई होता है और मोटर से फिर साइकिल वर्क करता है। और अभी मैं आपको साइकिल के फीचर्स बता देता हूँ। साइकिल को आप एक्सीलेटर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, ये रहा इसका एक्सीलेटर, ऐसे यहाँ से चालू करने के बाद। अभी बैटरी कम है, पूरा बैटरी ड्रेन होने के बाद वो 25 किलोमीटर चलता है और 25 से 27 किलोमीटर चलता है, और चार्ज अगर पूरा ड्रेन हो गया है तो चार्जिंग के 4 घंटा लगता है। और इसमें आपको मोटर स्टार्ट करना है तो यहाँ से एक्सीलेटर का बटन दबा के फिर इससे आप एक्सीलेटर से पूरा वर्क करता है। और इसमें एक पैडल असिस्ट भी है, ये जो आप मोड देख पा रहे हो ये नीचे का, वो पूरा पैडल असिस्ट है। जैसे अब ये लो पे है तो अगर मैं इसका एक ऐसे पैडल मारूंगा तो थोड़ी देर तक वो खुद वर्क करते जाएगा, और अभी अगर मैं इसको ब्रेक लगा के फिर मैं इसको मीडियम पे डाल के अगर मैं इसको वापस से मारूं तो अभी इस पर 50% मोटर सपोर्ट करेगा, लो में 20% मोटर सपोर्ट करेगा। अभी कुछ देर तक जब तक उसको प्रेशर मिलते जाएगा तब तक वो अपने आप घूमते जाएगा, और ये थोड़ा बूस्ट अप भी करता है साइकिल चलाने के लिए। और अभी हाई मोड पे इसमें पूरा 80% आपको मोटर सपोर्ट करेगा, मतलब एक बार घुमाने के बाद 2-3 मिनट तक घूमते ही रहेगा, पूरा मोटर सपोर्ट करेगा, इसमें ज़्यादा थकान भी नहीं होगी और ये थोड़ा हेल्प भी करता है अगर चार्जिंग खत्म हो गई हो या बहुत लो हो तो। और अगर एवरेज बढ़ाना है साइकिल का तो आप इसको पैडल असिस्ट मोड पे भी चला सकते हो। साइकिल बहुत अच्छी है, मतलब आप ले सकते हो। अगर आपको 28 या 20 के अप आपका बजट है तो आपको ये साइकिल बेस्ट है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह।